हमारी वीणा के जो स्वर आपको सुनाई दे रहे हैं वो हमारी खुशी और उस बालक के मृत्यु के स्वर हैं जो एक साथ आपको सुनाई दे रहे हैं। स्वामी, किसी बालक की मृत्यु पर आप जैसे महाबली का इतना उत्सुक होना आपको शोभा नहीं देता। वो कोई साधारण बालक नहीं है महारानी, देवों से रक्षित है। परंतु अब कोई भी देवता उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। हम उस बालक को स्वयं अपने हाथों से समाप्त करेंगे। आज की रात उस बालक के जीवन की अंतिम रात होगी। अंतिम रात। आधी रात हो चुकी है। हाँ सेनापति, मेरी भी शक्तियां जागृत हो गई हैं। ठीक है, मैं अभी उस मायावी मारुति को लेकर आता हूं। जितना शीघ्र हो हमें यहां से निकलना होगा। मारुति, 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 मारुति! अब कहां ढूंढे उसे केसरी? रात्रि का घनघोर अंधकार चारों ओर छा चुका है। हे ईश्वर, रक्षा करना हमारे अबोध इन बालकों की। मारुति! मारुति! अरे आप लोग रुक क्यों गए? हमें अंजन प्रदेश की सीमा से बाहर निकलना ही होगा। इससे पहले कि कोई बुरी घटना घटे हमें मारुति के पास पहुंचना ही होगा। मारुति! वज्रासुर, इस केसरी के बच्चे को शीघ्र ही लंका ले चलो। देखो इस वानर के बच्चे को, बहुत क्रोध आ रहा है इसे। मैं तो डर गया। किंतु अब ये कर ही क्या सकता है। कौन आएगा इसे बचाने के लिए?
छोड़ना नहीं इसको, पकड़ लो इसको। ये वज्रासुर है और इसका शरीर वज्र का बना हुआ है। इसके शरीर को कोई नहीं तोड़ सकता, तुम्हारी गदा भी नहीं। अब तू कहीं भी भाग ले, किंतु तू मुझसे बच नहीं सकता। मारुति! समझ गया हूँ कि तुम्हारे वज्र के कारण तुम्हें बाहर से मारना संभव नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अंदर से मारूंगा। केसरी, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पुत्र को तो अब कोई नहीं बचा सकता, वो तो अब लंका में जाकर ही मरेगा। यदि मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको जीवित नहीं छोड़ूंगा। या।
से बचाती है। ये सब क्या है? तुम्हें क्या हो रहा है? मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। अब मैं इस बालक को पेट में नहीं रख सकता, ये मुझे मार डालेगा। वज्रासुर, तुम्हें कैसे भी करके इस बालक को लंका लेकर जाना होगा। मेरे पुत्र, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? पिताजी, हमारी गाय और मित्रों को गुफा में बंद करके रखा है इन दुष्टों ने। हाँ पुत्र, चलो हम उन्हें छुड़ाते हैं। चलो। गायों को उस तरफ करो। मारुति, मेरे मित्र। चलो चलो जाओ। मारुति, मुझे तो लगा था कोई नहीं बचेगा, ये कैसे हुआ? तुम्हारे मित्र मारुति के हिम्मत के सामने सारे असुर परास्त हो गए। मुझे मारुति पर पूरा भरोसा था कि मारुति किसी को कुछ नहीं होने देगा। अब शीघ्र हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अंजन प्रदेश में हमारी चिंता कर रहे होंगे। हाँ हाँ, चलो 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 चलो।
लंकेश की जय हो।